अब हम बात करते हैं पाइपलाइन परिवहन के विषय में हमने अभी तक देखा कि वायुयान जो है वो परिवहन का एक तीव्रगामी साधन था लेकिन इसके बाद परिवहन में एक और नया जो आयाम है या हम एक नवीनतम साधन जो कहें वो पाइपलाइन है क्योंकि इसके माध्यम से हम किसी भी प्रकार का लिक्विड या जो गैसी पदार्थ है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन कर सकते हैं इसमें किसी भी प्रकार का आ, मतलब ये हमारे लिए इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम इसे महासागरों या किसी भी सागरी क्षेत्र या जलीय हिस्से की बात करें तो उसके अंदर से भी हम इसका आ, परिवहन कर सकते हैं जो उच्चावच है या किसी भी प्रकार की जो भूमि की बनावट है वो पाइपलाइन परिवहन के मार्ग में बाधा नहीं बनती है तो इसलिए पाइपलाइन का जो है हमारे लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है एक बार ही बनाने में मतलब जब पाइपलाइन परिवहन का निर्माण किया जाता है तो सिर्फ एक ही बार खर्च आता है इसके निर्माण में उसके बाद बार बार जो है इसको मेंटेन करने की इनके रख में बहुत अधिक जो है खर्च हमें नहीं करना पड़ता अभी तक तो हमने अपने घरों में ही देखा है कि जो पानी की सप्लाई है वो पाइपलाइन के माध्यम से होती है लेकिन हम यदि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएं तो हम देखेंगे कि जो हमारा प्राकृतिक गैस है है ना जो आप घर में एलपीजी यूज़ करते हैं या जो हम पेट्रोल और डीजल यूज़ करते हैं इवन अब वर्तमान में ये परिवहन का जो साधन है वो इतना अब विकसित हो गया है कि न्यूजीलैंड और नीदरलैंड में हम देखेंगे कि दूध का जो परिवहन है वो खेत से सीधे उन कारखानों तक किया जाता है और अब तो वर्तमान में कोयले का या खनिज पदार्थों का भी परिवहन जो है वो पाइपलाइन के माध्यम से किया जाता है कोयले को चूड़ा बना लिया जाता है उसके बाद उसे पानी में घोल कर पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है इसी प्रकार से लोहे के जो आ, पैलेट्स हैं उनका भी परिवहन हम पाइपलाइन के माध्यम से कर सकते हैं तो ये आ, हमारे लिए कितना आ, अभी हम बोलें कि नवीनतम साधन बन गया है और सुरक्षित और सहज और सरल है परिवहन के लिए तो हम बात करते हैं कि इनके कौन कौन से पाइपलाइन परिवहन के गुण हैं तो पहले हम ये देखते हैं कि पाइपलाइन जो है वो किसी भी प्रकार के भी जो हमने बात की थी कि उच्चावत संबंधी या भौगोलिक जो बनावट है भूमि की पर्वत पठारी क्षेत्र होगा तो वो इसके रास्ते में बाधा का काम नहीं करते हम पाइपलाइन को इन मार्गों से या इन स्थानों से भी होकर निकाल सकते हैं या इनका परिवहन मार्ग इनका बना सकते हैं फिर हम देखेंगे कि सबसे पहले जब पाइपलाइन को बिछाया जाता है तो शुरुआत में ही इसमें हमको अधिक व्यय करना पड़ता है और उसके बाद इसे अनवरत रूप से चलाने के लिए या आ, इसके कार्य इसके कार्य करते रहने के लिए हमको इसके मेंटेनेंस या किसी भी प्रकार के रखरखाव में जो है वो हमको बहुत नॉमिनल कम खर्च करना पड़ता है अब हम ये देखते हैं कि पाइपलाइन जो पदार्थ है उसके मतलब पाइपलाइन के माध्यम से हम जिन पदार्थों का परिवहन कर रहे हैं वो हमको उनकी आपूर्ति को जो निश्चित करती है कि हमें कितना परिवहन जो है वो हम इन पाइपलाइन के माध्यम से कर रहे हैं इसके बाद हम ये देखते हैं कि इनके द्वारा परिवहन में कोई समय नष्ट नहीं होता हम कोई व्यक्ति वहाँ पर नहीं लग रहा है ना किसी मशीन को चलाने के लिए ना साथ साथ उन पदार्थों के जाने के लिए तो समय भी जो है वो नष्ट नहीं होता समय व्यय नहीं करना पड़ता हमें और ना ही किसी भी प्रकार के बहुत अधिक एक्स्ट्रा जो धन की है वो बर्बादी होती है तो ये भी इसके फ़ायदे हैं पाइपलाइन परिवहन के नेक्स्ट इसका हम देखेंगे कि इसमें हमको बहुत कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है ऊर्जा का बहुत कम व्यय हमें करना पड़ता है इसके साथ ही साथ ये परिवहन का जैसे हमने देखा था भाई कि वायु परिवहन जो बहुत तीव्रगामी साधन था ये भी बहुत तीव्रतम साधन है हम वायु परिवहन में गैस या पेट्रोल डीजल लेकर नहीं जा सकते इसीलिए ये हमारे लिक्विड को परिवहन करने के लिए किसी भी प्रकार का गैस या पेट्रोलियम पदार्थ जो है एक बहुत ही आ, सस्ता और सक्षम जो है परिवहन का साधन है जिसमें हमें किसी भी प्रकार के पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचता है फिर हम देखते हैं कि आ, इसके गुण और विशेषताएं तो हैं साथ साथ इस परिवहन के कुछ दोष भी हैं कुछ कमियां हैं उनकी हम बात करें पाइपलाइन परिवहन में आ, कोई लोचकता नहीं होती हम इसे तोड़ मरोड़ नहीं सकते ना भाई कि बाद में उसको छोटा करना है बड़ा करना है पाइपलाइन पाइप का जो आकार है आ, उसे थोड़ा बढ़ाना है या कम करना है तो ये इस प्रकार की कोई लोचकता नहीं होती इसमें यह हम कहें कि अचानक एक बार तो इसका निर्माण हो गया कोई मोड़ आ रहा है या दूसरे तरफ से भी कोई दूसरे आ, रास्ते से इसे डाइवर्ट करके मोड़ दिया जाए तो ये संभव नहीं है पाइपलाइन परिवहन में इसके बाद हम देखें कि एक बार यदि पाइपलाइन का निर्माण हो जाता है तो अभी हमने कहा कि इसकी क्षमता में भी अगर हमने एक बार बता बना दिया इसका आकार तो उसके क्षमता में एक ही बार उसका निर्माण किया जाएगा जितनी क्षमता का परिवहन उसमें हो सकता है उसके बाद उस क्षमता को हम न घटा सकते हैं और ना ही बढ़ा सकते हैं कुछ ऐसे इलाके होते हैं जैसे दलदली क्षेत्र हो गया या हम किसी भी प्रकार के घने वन आवरण वाले क्षेत्र की बात करें हम तो वहाँ पर जो है इसकी सुरक्षा संबंधी व्यवस्था मतलब इसका जो रख रखाव जो है वो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल या कठिन हो जाता है कि हम उनका वहाँ पर उन क्षेत्रों में जाकर रख रखाव कर पाए इसके बाद हम देखेंगे कि पाइपलाइन बिछा तो दिया गया है और बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस या रखरखाव नहीं होने के कारण आ, हम ये देखेंगे कि कहीं पर आ, जंक लगने के कारण या किसी अन्य कारण से भी उसकी क्षति पहुँचने के कारण पाइप को आ, अगर उसमें कोई लीकेज की प्रॉब्लम है कहीं से रिसाव की समस्या हो रही है तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि उसका हम पता कैसे लगा पाएँ है ना कि कहीं पर लीकेज हो रहा है एक थोड़ी आ, मुश्किल आती है इस बात का पता लगाने में फिर आ, इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कहीं पर भी आ, वही हमने कहा कि लीकेज है या कहीं से पाइपलाइन फट गया है तो उसकी मरम्मत करना भी थोड़ा सा कठिन काम होता है एक तो पता लगाना मुश्किल है फिर वहाँ पर उस आ, को रिपेयर करने में भी थोड़ी सी हमें हमारे सामने जो है वो परेशानी आती है तो हम ये देखें कि पाइपलाइन परिवहन जो है वो एक नवीनतम साधन साधन है और किसी भी प्रकार के लिक्विड पदार्थ के लिए आ, का परिवहन करने के लिए हमारे तीव्रगामी होने के साथ, साथ साथ सस्ता भी है और सरल भी है लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ हमें कमियां भी देखने को मिल रही हैं अगर हम अच्छी तरह से पाइपलाइन परिवहन की व्यवस्था जो है इसके लीकेज किसी भी प्रकार के या मेंटेनेंस को हम अच्छी तरह से कर पाएँ तो ये हमारे लिए एक अच्छा परिवहन का साधन लिक्विड के लिए आ, साबित हो सकता है अब हम बात करते हैं प्रमुख जो पाइपलाइन परिवहन मार्ग हैं उनकी अब हम बात करते हैं विश्व में जो प्रमुख पाइपलाइन बिछाई गई है हमने देखा था कि किसी भी प्रकार के लिक्विड चाहे वो पेट्रोलियम हो या गैस हो है ना तो ये पेट्रोलियम पदार्थों और अन्य जो भी लिक्विड चीजें हैं या पदार्थ हैं उनको उत्पादन क्षेत्र से लेकर उपभोक्ता क्षेत्र तक बिना किसी हानि पहुंचाए आ, ये एक प्रमुख जो है परिवहन का साधन है जो पाइपलाइन का उपयोग किया जाता है अब ये कहां कहां पर आ, इनका भी वितरण जो हम देखेंगे वो सभी जगह तो समान नहीं है क्योंकि हमको मालूम है कि पेट्रोलियम पदार्थ एक ऐसा है या नेचुरल गैस जो है आ, वो एक ऐसी चीजें हैं जो हर जगह जिनका उत्पादन नहीं होता हर जगह ये आपको नहीं मिलेंगी लेकिन विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में इसकी आवश्यकता होती है आ, हर देश को हर व्यक्ति को तो आ, लेकिन इसका वितरण जो है वो असमान है तो हम बात करते हैं कि इन सभी चीजों को आ, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्तर पर अलग अलग महाद्वीपों में पाइपलाइन का जो वितरण है वो किस प्रकार का है तो पहले हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यहाँ पर जो पाइपलाइनें बिछाई गई हैं, वो यहाँ के पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र से लेकर पूरे जो उपभोक्ता केंद्र है वहां तक फैली हुई है आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ जो पाइपलाइनें बिछाई गई हैं, उन पाइपलाइनों की जो लंबाई है वहां के रेल मार्ग से भी अधिक है जो महत्वपूर्ण यहाँ की पाइपलाइन है वो हम देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मैक्सिको की खाड़ी है उसके तटीय जो कुएं हैं पेट्रोलियम के वहां से खनिज तेल को उत्तर पूर्वी हिस्से तक उसके पहुंचाने के लिए बिछाई गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी भागों तक पहुंचाने के लिए बिछाई गई है और यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देंगे इस जो ये जो पाइपलाइन है जो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से या मैं ये कहूं कि जो खाड़ी तटीय तेल क्षेत्र है उस केंद्र से ये उत्तर पूर्व में संयुक्त राज्य अमेरिका के पूरे उत्तर पूर्व में जो भी उपभोक्ता क्षेत्र फैले हुए हैं उन तक पहुंचाई जाती है और इसे हम बिग इंच पाइपलाइन के नाम से जानते हैं मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बिग इंच पाइपलाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि संयुक्त राज्य अमेरिका में खाड़ी तटी तेल क्षेत्र से जो पूर्व तक फैली हुई है संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी हिस्सों तक उसे उस पाइपलाइन का नाम क्या है या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बिग इंच पाइपलाइन क्या है तो ये आपको पता होना चाहिए संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख पाइपलाइन है जो मैक्सिको की खाड़ी के तटीय तेल क्षेत्र से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका के उसके पुर, आ, उत्तर पूर्वी भाग में जितने भी उपभोक्ता क्षेत्र हैं या उपभोक्ता केंद्र हैं, वहां तक ये फैली है या बिछाई गई है अब यहाँ पर एक और बड़ी पाइपलाइन है प्रमुख रूप से आ, ये पाइपलाइन आप अपने मानचित्र में फिर से इसको डिनोट कीजिए आ, अलास्का दिख दिख रहा होगा आपको उत्तरी अमेरिका का एकदम उत्तरी छोर है ना यहां से ये शुरू होती है और अलास्का के उत्तरी तट से होते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका को पेट्रोलियम पहुंचाती है दूसरी प्रमुख पाइपलाइन संयुक्त राज्य अमेरिका की और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए जो पाइपलाइन बिछाई गई है वो यहाँ के टेक्सास जो गैस क्षेत्र है टेक्सास गैस क्षेत्र से शुरू होती है यहां से लेकर ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पूरे उत्तर पूर्वी और पश्चिमी भागों तक फैली हुई है या यहाँ तक बिछाई गई है तो ये हो गई बात आपके संयुक्त राज्य अमेरिका की इसमें आप एक चीज और नोट कर लेंगे यहाँ की जो ये पाइपलाइन है अः ये एडमांड से बैंकुवर तक लगभग 1150 किलोमीटर लंबी है और 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर आप देख होंगे मानचित्र में 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर से पूर्व में उसके पूर्व में जो भी स्थित क्षेत्र हैं उनमें गैस रसोई गैस एलपीजी है ना उसके बाद सी ये सारी जो गैसें हैं वो अशोधित रूप में शुद्धिकरण बिना किए हुए या शोधित खनिज जो है वो तेल की अलग अलग पाइपलाइनों की जो जाल है वो यहाँ पर बिछी हुई है तो ये हो गई बात आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका की अब हम देखते हैं यूरोप यूरोप महाद्वीप की यदि हम बात करेंगे तो इस महाद्वीप में जो पश्चिमी तटीय यूरोप के जितने भी बंदरगाह हैं वहां पर आ, जितना पेट्रोलियम आयात किया जाता है तो पूरे आयातित पेट्रोलियम को एक साथ इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद उनको शोधित किया जाता है इसके पश्चात शोधीकरण करने के पश्चात उसमें जो भी अशुद्धियां रहती हैं वो निकाली जाती हैं और शुद्धिकरण करने के पश्चात इसमें क्या किया जाता है इसे पाइपलाइन के द्वारा यूरोप के जितने भी आंतरिक औद्योगिक केंद्र है और उनकी जो आ, उनका जो घरेलू मार्केट है घरेलू मंडिया है उसमें ये वितरित किया जाता है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और कहां, कहां किया जाता है तो ये है आपका इटली फ्रांस हॉलैंड जर्मनी और नीदरलैंड प्रमुख रूप से इन देशों को वहां से ये आ, पाइपलाइनों के माध्यम से पहुंचाया जाता है और इन पाइपलाइनों के द्वारा पेट्रोलियम के साथ साथ प्राकृतिक गैस का भी परिवहन होता है यदि हम यूरोप में जो यूरोपीय सोवियत संघ की बात करें तो यहां पर भी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परिवहन के लिए लंबी लंबी पाइपलाइन पाइप जो है वो बिछाई गई है और ये पाइपलाइन जो है वो यूराल याल पर्वत आप देख पा रहे होंगे अपने मानचित्र में यूराल के पूर्व के क्षेत्र जो है वहां से आ, और वोल्गा तेल क्षेत्र आप फिर से अपने मानचित्र में देखिए के पूर्व के क्षेत्र और वोल्गा तेल क्षेत्र से आ, पूर्व की तरफ जो पूर्वी साम्यवादी यूरोपीय देश हैं उनको ये पाइपलाइन जो है वो जोड़ती है और वोल्गा तेल क्षेत्र से पूर्वी यूरोप की आ, के जो ये देश हैं इन देशों को अशुद्ध तेल ले जाने के लिए लगभग चवालीस किलोमीटर चार हजार चार सौ किलोमीटर लंबी ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो है वो बिछाई गई है मैं फिर से इसे रिपीट कर दे रही हूं वोल्गा तेल क्षेत्र से लेकर पूर्वी यूरोप के देशों तक जो पाइपलाइन बिछाई गई है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ले जाने के लिए ये लगभग चार हजार चार सौ किलोमीटर लंबी है और इसका नाम जो है इस पाइपलाइन का नाम रखा गया है ट्रां ट्रांस कॉन्टिनेंटल कोम पाइपलाइन इसे फ्रेंडशिप पाइपलाइन या मैत्री पाइपलाइन के नाम से भी जाना जाता है आप फिर से ध्यान देंगे मैत्री पाइपलाइन किसका नाम रखा गया है ओमकान पाइपलाइन इसे आप फ्रेंडशिप पाइपलाइन या मैत्री पाइपलाइन भी कहते हैं तो ये संसार की सबसे लंबी तेल पाइपलाइन है और इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा जैसे हमने अभी संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की थी और वहां पर हमने देखा था कि खाड़ी तटीय तेल क्षेत्र से उत्तर पूर्व की तरफ जो पाइपलाइन बिछाई गई है उसका नाम है बिग इंच पाइपलाइन यूरोप में जो वोल्गा तेल क्षेत्र से पूर्वी यूरोप तक पाइपलाइन बिछाई गई है उसका नाम अभी मैंने बताया ट्रांस कॉन्टिनेंटल कोम काम पाइपलाइन और इसे मैत्री पाइपलाइन या फ्रेंडशिप पाइपलाइन भी कहा जाता है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है आपको ध्यान देना होगा अब इसके बाद हम बात करते हैं पश्चिमी एशिया की अब जब हम आ, एशिया की बात करेंगे तो हम देखते हैं इसमें पश्चिमी एशिया आ, के जो देश हैं, वो महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पर यदि हम पाइपलाइन परिवहन की बात करें तो देखते हैं कि जितने भी पश्चिमी एशियाई देश हैं, वहाँ पर पाइपलाइन का जो उपयोग है वो पेट्रोलियम के जितने भी तेल केंद्र हैं उन तेल केंद्रों से इसे बिछाया गया है ईरान या फारस की खाड़ी और भूमध्य सागर के तट पर जितने भी बंदरगाह स्थित हैं, उनके बीच में परिवहन के लिए इन पाइपलाइन को बिछाया गया है या इनका उपयोग किया जाता है यहीं पर एक पाइपलाइन जो है वो फारस की खाड़ी से लेकर मतलब फारस की खाड़ी में जितने भी तेल क्षेत्र हैं वहां से ये भूमध्य सागर के जो भूमध्य सागर के तट पर एक जगह है जिसे हम सिडोन बंदरगाह कहते हैं यहां तक ये बिछाई गई है मैं फिर से इसे रिपीट कर दे रही हूं ये पाइपलाइन फारस की खाड़ी के तेल क्षेत्र से भूमध्य सागर के तट पर स्थित जो सिडोन बंदरगाह है इनके बीच में बिछाई गई है अब इसी में हम थोड़ा सा और जैसे हमने बात की थी बिग इंच पाइपलाइन और फ्रेंडशिप पाइपलाइन उसी प्रकार से एशिया में हम देखते हैं जो फारस की खाड़ी के तेल क्षेत्र से बिछाई गई है आ, और आपके अपमान आप फिर से इसे देखिए फारस की खाड़ी से भूमध्य सागर के तट पर जो सिडोन बंदरगाह है यहां तक एक पाइपलाइन जो बिछाई गई है उसे टैप लाइन के नाम से हम जानते हैं टी पी टैप लाइन अब आ, इसके अलावा भी आपके ट्रांस अरेबियन पाइपलाइन जो आपके रासन तोरा रासन तोरा से सिडोन तक फैली हुई है इस पाइपलाइन की जो लंबाई है वो 1707 किलोमीटर और किरकुक वनियास पाइपलाइन जो है जो हमने दो पाइपलाइन की बात की थी उसमें जो किरकुक और वनियास पाइपलाइन है वो छम छियानबे किलोमीटर लंबी है तो ये हो गई पश्चिमी एशिया की बात और इसमें आपको फिर से तीन चीजें मैं जो तीन टर्म्स दिए गए हैं उनको ध्यान में रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका में हमने बात की थी मैक्सिको की खाड़ी से जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पर जो तेल के वहां से लेकर उसके उत्तर पूर्वी भाग तक जो बिछाई गई है पाइपलाइन उसे बिग बिग इंच पाइपलाइन और यूरोप में जो वोल्गा तेल क्षेत्र से लेकर यूराल तेल क्षेत्र तक बिछाई गई थी उसे हमने जो कॉमकेन पाइपलाइन इसे फ्रेंडशिप पाइपलाइन के नाम से भी जानते हैं या मैत्री पाइपलाइन की भी संज्ञा दी जाती है इसे और हमने देखा था कि ये सबसे विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन है और इसी प्रकार जब हम पश्चिमी एशिया की बात करेंगे तो पश्चिमी एशिया में हम देखते हैं इस पाइपलाइन परिवहन को जो भूमध्य सागर तट से सिडोन बंदरगाह तक बिछाई गई है इसे टैप लाइन के नाम से जाना जाता है अब ये हो प्रमुख महाद्वीपों में जो प्रमुख रूप से पाइपलाइन परिवहन किया जा रहा है उनकी बात अब अगर हम अपने भारत को देखें तो भारत में पाइपलाइन परिवहन की जब बात की जाएगी तो हम देखते हैं यहां पर आ, पाइपलाइन का जो उपयोग है भारत में वो पेट्रोल के साथ प्राकृतिक गैस और दूध परिवहन के लिए प्रमुख रूप से किया जाता है और कई जगह पर लौह एस का भी जो परिवहन है वो इन पाइपलाइनों के माध्यम से किया जाता है अब जब हम प्रमुख रूप से जो पाइपलाइन है यहाँ पर उनकी बात करें तो उनमें हम देखते हैं पहला प्रमुख पाइपलाइन जो है वो हम देखते हैं हजीरा से शुरू होता है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है इस गैस पाइप यह जो गैस पाइपलाइन है वो भारत के पश्चिमी तट पर हजीरा जो गुजरात में स्थित है हजीरा से ये शुरू होती है और हजीरा से विजयपुर मध्य प्रदेश जाती है मतलब मध्य प्रदेश तक पहुंचती है उसके बाद फिर विजयपुर होते हुए ये जगदीशपुर जगदीशपुर उत्तर प्रदेश तक बिछाई गई है मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ और आप अपने मानचित्र पर भी थोड़ा इसे फोकस कीजिए हजीरा गुजरात विजयपुर मध्य प्रदेश और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश ये होती हुई गैस पाइपलाइन बिछाई गई है यहाँ आ, इस गैस पाइपलाइन की जो लंबाई है वो सत्रह किलोमीटर लंबी है एक इसके माध्यम से गैस जो है वो पहुंचाई जाती है अब हम दूसरी प्रमुख पाइपलाइन की बात करें तो ये है आपका असम के नहरकटिया तेल क्षेत्र से एक जो पाइपलाइन है वो आपके नूनमाटी गुवाहाटी सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल होते हुए बरौनी बिहार तक गई है फिर से सुन लीजिए आप असम में देखिए आप नहरकटिया नहरकटिया इसका यहां पर का प्रमुख तेल क्षेत्र है यहां से होते हुए नूनमाटी गुवाहाटी सिलीगुड़ी जो पश्चिम बंगाल में है यहां से बरौनी बिहार तक बिछाई गई है और इस तेल पाइपलाइन की जो लंबाई है वो लगभग 1160 किलोमीटर है इस पाइपलाइन को आगे कानपुर तक बढ़ाया गया है और इसी नहर कटिया पाइपलाइन को बरौनी से जो हमने अभी बात की थी बरौनी तक पहुंची है बरौनी के बाद तो एक जो है वो कानपुर तक बढ़ गई है और इसी नहर कटिया पाइपलाइन को बरौनी बिहार से हल्दिया तक बढ़ाया गया है और आ, हल्दिया तक एक बढ़ाया गया है और तीसरा जो है वो नहरकटिया से बरौनी मतलब बिहार तक पहुंचती है और उसके बाद फिर कानपुर जो पाइपलाइन है नहरकटिया बरौनी और कानपुर पाइपलाइन को दिल्ली दिल्ली से अम्बाला और अम्बाला से जालंधर तक बढ़ाया गया है मतलब आप मान के चलिए कि नहरकटिया तेल क्षेत्र से ये नून माटी से है, आपके जालंधर तक आ, इसका जो है विस्तार किया गया है तो ये हो गई एक और आपकी दूसरी पाइपलाइन भारत की अब हम आ, फिर से एक देखते हैं तीसरी महत्वपूर्ण जो पाइपलाइन है वो है आपका आ, गुजरात में कच्छ की खाड़ी आप देख पा रहे होंगे मानचित्र में गुजरात में कच्छ की खाड़ी पर सलाय कांगड़ा के पास पड़ता है ये सलाय नामक जगह से शुरू होती है और वीरम ग्राम, वीरम ग्राम जो आपके गुजरात के सुरेंद्र नगर में स्थित है यहां से अहमदाबाद होता हुआ कोयला जो बड़ोदरा गुजरात का जो कोयला क्षेत्र है तथा अहमदाबाद से मथुरा तक लगभग १,२५६ किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का विस्तार किया गया है फिर से आप सुन लीजिए गुजरात देखिए सामने आपके मानचित्र है गुजरात में कच्छ की खाड़ी पर सलाय कांगड़ा के पास पड़ता है ये वहां से होता हुआ वीरम ग्राम जो गुजरात के सुरेंद्र नगर के पास स्थित है और अहमदाबाद होता हुआ कोयला जो गुजरात बड़ोदरा में स्थित है यहाँ से आपके अहमदाबाद से मथुरा तक एक और पाइपलाइन जो 1256 किलोमीटर लंबी है वो बिछाई गई है आ, अब क्या किया जाने लगा है जो ठोस है ठोस मतलब जैसे आ, आपका आयरन और है लौह लौहयस्क है इसे भी कदम कदम मतलब उसका जो गाढ़ा पेस्ट बनाकर पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाने लगा है और जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं ये भी आपके मानचित्र पर दिख रहा है सामने ये लौह अयस्क इस प्रकार का जो है वो आपके कुद्रेमुख खान से कुद्रेमुख खान से मैंगलोर बंदरगाह तक पाइपलाइन के माध्यम से परिवहन किया जाता है ऐसे ही हम अपने छत्तीसगढ़ में देखेंगे में हम अपने छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे छत्तीसगढ़ के दक्षिण में आपके दंतेवाड़ा जो लौह क्षेत्र है वहां से लौह एस्क का जो परिवहन है वो पाइपलाइन के माध्यम से आंध्र प्रदेश तक किया जाता है अब आपके पेट्रोलियम गैस और लॉयस के बाद हम देखते हैं अब वर्तमान समय में हम देखेंगे तो पाइपलाइनों का जो उपयोग है वो कोयले के लिए भी किया जाता है कोयला दूध रसायन अनाज या खनिज पदार्थों के परिवहन में भी पाइपलाइन का जो प्रयोग है वो किया जाने लगा है इसमें हम देख लेते हैं एक पाइपलाइन है आपकी जो पिट्सबर्ग और क्लीवलैंड पिट्सबर्ग से क्लीवलैंड को जोड़ रही है इसके माध्यम से कोयले का परिवहन किया जाता है कोयले को पहले पीस कर उसमें पानी मिलाकर लिक्विड बना लिया जाता है और उसके बाद इसे पाइपलाइन के माध्यम से परिवहन किया जाता है ये पाइपलाइन जो है वो लगभग एक किलोमीटर 168 किलोमीटर लंबी है और हमने तो देखा ही था कि भारत के कुद्रे मुख से मंगलौर बंदरगाह तक जो परिष्कृत लोहे के पैलेट्स हैं गोलियां उनका परिवहन किया जाता है और इन सबके अलावा फ्रांस, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया का जो पर्वतीय क्षेत्र है इन पर्वतीय क्षेत्रों से फ्रांस स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के पर्वतीय क्षेत्रों से पाइपलाइनों के माध्यम से जो दूध है वो वहां के मैदानी और नगरी क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता है तो ये बात हो गई आपके पाइपलाइन परिवहन की यदि हम पाइपलाइन परिवहन की एक प्रमुख परियोजना की बात करें तो ये आपको पता होना चाहिए तापी परियोजना टी ए पी आई तापी परियोजना जो है वो एक महत्वपूर्ण परियोजना है इसमें तापी नाम ही पड़ा है टी से तुर्कमेनिस्तान है ना इसमें तुर्कमेनिस्तान में गल नाइश यहाँ का स्थान जो है वो शामिल है ए से अफगानिस्तान अफगानिस्तान का कंधार पी से पाकिस्तान पाकिस्तान का मुल्तान और आई से इंडिया या भारत का जो फजिल्का पंजाब का, का फजिलका जो है वो इस परियोजना में शामिल है ये अंतरराष्ट्रीय गैस परियोजना है जो दिसंबर 2015 में शु, आ, मतलब शुरुआत हुई थी इसकी और इसको पूरा करने का लक्ष्य जो है वो 2019 में रखा गया था 2019 तक लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2022 तक कर दिया गया है इस अंतर्राष्ट्रीय गैस परियोजना की जो लंबाई है ये 1814 किलोमीटर है 1814 किलोमीटर और किसके आ, मतलब सहयोग से इसकी शुरुआत की गई मतलब इसका फंडिंग कोई भी योजना या परियोजना अगर संचालित हो रही है तो उसके लिए फंड भी मिलना चाहिए जिससे वो परियोजना आगे बढ़े तो इसमें आर्थिक सहयोग जो है वो ए डी बी का है एडीबी मतलब एशियाई विकास बैंक एशियाई एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक के नाम से हम जानते हैं तो एडीबी जो है वो इसे फंडिंग कर रहा है ये एक महत्वपूर्ण परियोजना है आपसे परीक्षा में ये पूछा भी जा सकता है कि तापी परियोजना क्या है इसमें कौन कौन से देश जो है वो शामिल हैं।